नमस्कार, अभी हम लोग कंकरबाग टेम्पो स्टैंड में खड़े हैं। लॉकडाउन के दौरान कंकरबाग टेम्पो स्टैंड से जो नाला बन रहा है उसको लेकर पटना नगर निगम कंकरबाग अंचल शाखा के सामने स्थायी निवासी जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि इस जो नाला निर्माण कार्य का काम चल रहा है उसकी CID जांच हो, और उनका कहना ये है कि इस नाला निर्माण से कंकरबाग टेम्पो स्टैंड पूरी तरह से डूब जाए, तो ये निर्माण गलत है, इसकी CID जांच होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है और कैसे उनका डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, इनको लेके हम देखते हैं। ये सारे लोग हैं, आई निवासी हैं, बैठे हुए हैं धरने पे, आप देख सकते हैं। जूम कीजिए, कैमरामैन से हम बोलेंगे, जूम करेंगे। रामविलास चौक से संजय गांधी नगर, रामलखन पथ से कंकरबाग 0 पॉइंट और बाईपास से शिव मंदिर से कंकरबाग 0 पॉइंट तक बनने वाले नाले की CID जांच। स्पष्ट है कि इसकी CID जांच होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे देख रहे हैं आप, स्थायी निवासी जो है धरने पे बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं कि इससे एक बहुत बड़ी आपदा के दौरान जो है, जब बरसात के दिन आएंगे तो यहाँ के स्थायी निवासी पूरी तरह डूब जाएंगे। आइए जानते हैं इस बारे में हमारे जो स्थानीय निवासी है उनके, बताइए क्या समस्या है और किसके लिए आप लोग धरने पर बैठे हैं। हम लोगों की समस्या ये भी है, पिछली बार जो हम लोग यहाँ से थे तो उस समय तो नाले को समय भी नाला था, उस बार जो नाला का निर्माण कराया जा रहा है वो सीधे नौरतनपुर, चांगर, मीठापुर सब जगह का पानी लाकर यहाँ 0 उससे हम लोगों पर दबाव बनेगा। हम लोगों का एक सीखनी मांग है कि आप उस नाले को बाईपास के किनारे जो नाला बन रहा है उधर का पानी आप उधर डाइवर्ट कर दें और इधर का पानी इधर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं है। जो भी पंप हाउस के बाद नाले की ओर क्षमता नहीं है कि जब यहाँ से हेवी मशीन चलेगा तो वहाँ पर पानी नाले से ऊपर बिजना शुरू हो जाता है, तो नाले का तो बढ़ोतरी किए नहीं है, क्षमता यहाँ बढ़ाए हैं और ऊपर से उस तरफ का पानी ला कर डाइवर्ट करके यहाँ गिरा रहे हैं, जिससे हम लोगों की समस्या बहुत बढ़ रही है। स्पष्ट कहना है कि जो बिग्रापुर बस स्टैंड ये सारे जगहों का जो इसमें जोड़ा जा रहा है वो गलत है, वो बाईपास NH से जोड़ा जाए जिससे कि पानी की समस्या बरसात के दिनों में यहाँ जल जमाव ना हो। इसका स्पष्ट करना है कि जोगीपुर तक जाने के बाद उतनी बड़ी संख्या नल नहीं, चौराई नहीं है जिससे कि पानी आगे जा सके, पानी फिर वापस आके और कंकरबाग टेम्पो स्टैंड में जल जमाव की स्थिति यथा हो जाएगी। इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक लाइन से देख सकते हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, हमारे जेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे वार्ड पार्षद हमारे बीच है, संजीव कुमार बबलू भैया, जानते हैं उनसे कि इस हालात को लेकर उनका क्या कहना है। ये हमारा एक चिंता है, हम लोग का प्लान बनाना है, इसमें एक्स्ट्रा जो है हम लोग का पानी भी पड़ रहा है, आप हम मेरी नीयत है भैया बैठिए बैठिए, अब इसमें बाहरी हमारा कंपनी यहाँ, यानी कि आप जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। एकदम समर्थन कर रहे हैं, जो कह रही जो हम तो अभी आ पाए हैं, हमको पता चला कि धरना यही लोग यानी कि इनका मांग जायज है, एकदम 101% जायज। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पूरी तरह से इनके साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो है जायज है, 101% जायज है। तो सरकार की नींदें कब खुलेगी, क्या बरसात के बाद खुलेगी, सवाल यह है कि नगर निगम को इस पे सोचने की बात है कि जिससे कि इनका अस्थायी निवारण हो सके, और इसको लेकर ये CID जांच की मांग कर रहे हैं।
सवाल बहुत जायज है। आइए जानते हैं यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अशोक नगर 0 पॉइंट से निकालने की योजना है, यह विनित है कि हमारा कहना है कि 0 पॉइंट हम यहाँ 40 वर्षों से रह रहे हैं योगीपुर और वही तो हर साल बरसता है तो आता ही है, लेकिन पहले से जो मेरा नाला दुरुस्त है उसकी आज तक हमने सफाई नहीं देखी। अशोक नगर 0 पॉइंट से लेकर और उसके मैंने उसकी सफाई तो कभी हमने देखा ही नहीं। और उसके बाद पिछले साल पहले रामविलास चौक से इन्होंने कहना है कि इस नाले में ज्यादा भार होने की जरूरत नहीं है, विकास हो पर सब हो। आप एक ही चीज में बहुत ज्यादा भार नहीं दे सकते, बस आइए जानते हैं एक और व्यक्ति से। उनसे जल जमाव में आइए, ऐसे सज्जन है जो आप देख सकते हैं खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, जागरूक कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। भैया आपका क्या कहना है, किसको लेके आप लोग जो है ये करना पड़ेगा? हम जल जमाव को लेकर भरना है, और जल जमाव क्यों होता है इस विषय को लेकर कि अशोक नगर का 0 पॉइंट जो है वहाँ से जो उचले इलाका है उसका पानी आकर जो है हम लोगों को डुबा देता है। यह क्षेत्र बरसात के पानी से नहीं डूबता, वह पानी जो ग्रेविटी से आता था अब सरकार उसको योजनाबद्ध तरीके से ला रही है। तो होगा यही कि जो हम लोग अभी 4 फीट डूबे हैं अब जो है यह 8 फीट डूबेंगे। तो अभी तो जल जमाव में दर्जनों जाने गई हैं, इनकी अदूरदर्शी योजना के कारण जो है सैकड़ों जाने जा सकती है। यही बताने के लिए सरकार को कि आपकी जो रामविलास चौक से जो योजना है करबिगहिया और दूसरे जगह का पानी लाने का वह गलत है, शिव मंदिर से जो पानी लाने की योजना है वह गलत है। यह इलाके से हजारों लोगों के लिए खतरनाक है, इसको अविलंब बंद करवाइए, नहीं तो जो धरना यहाँ चल रहा है यह धरना अगली बार जो है कार्य स्थल पर चलेगा। बहुत स्पष्ट कि अगर ये योजना नहीं रुकी तो जो जल जमाव के कारण 10 या 20 लोग मरते हैं उसकी संख्या सैकड़ों में हो। यह गलत है, यह पूरी तरह से गलत है। इनका कहना है कि ये सारे जगहों का पानी का भार एक जगह होना गलत है, तो इसको लेकर इनका स्पष्ट कहना है कि सैकड़ों लोग मरेंगे, हजारों लोग मरेंगे। जो अभी 4 फीट पानी रहता है 8 फीट 10 फीट पानी जा सकता है। अगर सरकार इस पर समस्या पर समाधान नहीं करती है तो अभी हम लोग कंकड़बाग बैठे हुए हैं, मुख्यालय में भी बैठेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आर के रोशन, LTF न्यूज, कंकड़बाग, पटना। बताइए भैया क्या समस्या है? ये सांकेतिक धरना नगर निगम और बिहार सरकार के बुडको के द्वारा बनाया जा रहा नाला जो बाईपास के पास शिव मंदिर से लाकर 0 पॉइंट पर मिलाने का काम के लिए जो नाला बना है, इस नाला को एक काम को रोकने के लिए किया गया था, जिसका मूल कारण ये है कि ये नाला अगर आकर के मिलता है तो कंकड़बाग के पश्चिम जो मोहल्लाए हैं जिनके जिनका पानी यहाँ आकर के फिर वाटर लॉगिंग जो बरसात में होता है उसका स्तर और बढ़ जाएगा। जबकि अगर सरकार चाहती तो ये नाला जो बाईपास से ला करके 0 पॉइंट अशोक नगर में मिला जा रहा है, इसके कम खर्च में इसको बाईपास के बगल के नाला से मिला दिया जा सकता था,
लेकिन सरकार अपनी मंशा साफ जाहिर इससे कर रही है कि उसको जल जमाव से मुक्ति नहीं दिलाना है। वो चाहती है कि किसी तरह जैसे गत वर्ष जल जमा हुआ था फिर इस बार जल जमा हो और लोग परेशान। नाम बताओ। मेरा नाम दीपक कुमार है। वर्ष की तरह